हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ देयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आई पोम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम ठीक है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम तो भाई इसका मतलब क्या हुआ एलिमेंट्री पहले तो एलिमेंट्री समझो एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ बेसिक जहाँ से आपको कोई बेसिक नॉलेज मिल रही है ठीक है एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ बेसिक मतलब जो स्टार्टिंग की नॉलेज है आपकी है ना जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती है हमारी छोटी जो क्लासेस होती है एल के जी एच के जी या जिससे बस आप थोड़ा बहुत ही सीखते हो है ना ऐसी क्लासरूम क्या होती है आपकी एलिमेंट्री आप इन आलाम आप स्लाम एरिया क्या हुआ भाई स्लाम एरिया देखे ना आपने ऐसी जगह जहाँ पे मतलब लोग कहीं भी कोई भी मतलब ऐसा एरिया जो क्या है डेजर्टेड है मतलब डेजर्टेड मतलब छोड़ा हुआ है ऐसे ही है वहाँ पे और वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने अपने टेंट्स डाल के वहीं घर बना लेते हैं है ना और वहीं पे जो है सारी गंदगी भी फैली हुई है वहीं पे सब है और उसी एरिया को वो अपना घर मान लेते हैं और टेंट्स बना के वहाँ रहते हैं तो वो जो एरिया कहलाते हैं वो क्या होते हैं आपके स्लम तो यहाँ पे जो हमारी पोम इसका नाम क्या है एन एलिमेंट्री क्लास रूम अ स्लम मतलब एक बेसिक लेवल की क्लास है क्लास रूम है जो कहाँ पर है एक स्लम एरिया में है ठीक है समझ आ गए इसके ऑथर कौन है स्टेफ स्पेंडर ठीक है ऑथर का नाम हमेशा ज़रूरी होता है आ जाता है ठीक है तो ऑथर कौन है स्टेफेन पैंड ठीक है ऑथर का नाम याद रखना है चलो आ जाओ पोम स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि भाई क्या है पोम from फ्रॉम गस्टी these children's चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस the द हेयर टॉन राउंड पैलर

जंगली होते हैं ना और रूटलेस जिनकी जड़े नहीं है मतलब क्या होता है जड़ों से ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है प्लांट्स को है ना ये तो पता है हमें समय तो क्या है यहाँ यह पर कि भाई उनको जो है एक तो वो क्या है? जंगली पेड़ पौधे क्यों क्योंकि उन्हें कोई चाहता नहीं है कोई पसंद नहीं करता है ना ये तो अनवांटेड होते हैं है ना तो उन लोगों को क्योंकि एरिया के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि ये तो ऐसे ही हैं ये है इसलिए यहाँ पे जो ऑथर हैं जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे वीड्स लिखा है ना कि प्लांट्स लिखा है ठीक है तो यहाँ पे समझना ठीक है वीट्स लिखा है प्लस लिखा है रूटलेस क्योंकि रूट्स नहीं है तो कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बच्चे कैसे हैं माल न्यूट्रिश है ना माल न्यूट्रिशन वाले हैं और मतलब कैसे हैं कि उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो बहुत कमजोर है बच्चे प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं है द हेयर टॉन राउंड पैलर द टॉल गर्ल विथ हेट डाउन हेड ठीक है पैलर पैलर मतलब जो स्किन है उनकी कैसी है पीली पड़ी हुई है कहते हैं ना पेल स्किन हो जाना पीली स्किन पड़ जाना ऐसे है और एक लंबी सी लड़की है जिसका जो सर है वो कैसा है बहुत ज़्यादा भारी है, मतलब वो इतनी कमज़ोर है कि उसका सर उसकी बॉडी से ज़्यादा हैवी हो गया है द पीपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स है ना द पेपर सीमिंग बॉय यहाँ पे एक बच्चा जो बहुत ज्यादा पतला है तो उसको किससे पेपर से कंपेयर कर दिया गया है कागज से कंपेयर कर दिया गया है है ना और स्टंटेड अनलकी ईयर ठीक है ईयर एच एच नहीं क्या आएगा एयर ऐसे बोलोगे तुम ठीक है हेयर नहीं बोलोगे एयर क्लियर है ना ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज तो यहाँ पे जो है एक बच्चा है जो बहुत अभाग्य अनलकी है क्यों क्योंकि उसको जो है उसके फादर से जो है एक डिजीज एक आ, क्या बोलते हैं बीमारी जो है इनहेरिट की है उसने इज लेसन फ्रॉम इज डेस्क और वो अपना जो है लेसन पढ़ा होता है एट बैक ऑफ द जिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ squirrels' game in tree room, other than this. और जब तुम पीछे देखोगे ना तो जहाँ पे थोड़ा अंधेरा है मतलब कम है लाइट वहाँ पे एक बच्चा बैठा है जो क्या कर रहा है जिसका ध्यान ही नहीं है क्लास में और उसको मज़ा ज़्यादा कहाँ आ रहा है जो बाहर ट्री हाउस है वहाँ पे जो गिलैरियाँ खेल रही हैं उनमें उसका ध्यान ज़्यादा है क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है

खट्टी क्रीम है ना तो सार क्रीम वॉल्स क्यों बोला गया है कि भाई जो वॉल्स हैं उनका कलर कैसा है बहुत ज्यादा ऐसा ऑफ वाइटिश टाइप है गंदी गंदी वॉल्स हैं है ना तो यहाँ पे इसलिए जो है सार क्रीम वॉल्स बोला गया है डोनेशन शेक्सपियर्स क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज वहाँ पे जो है जो भी लोग आते हैं बड़े बड़े वो क्या करते हैं डोनेशन वगैरह करके चले जाते हैं जैसे शेक्सपियर की कोई फोटो डोनेट कर दी है ना कोई पेंटिंग डोनेट कर दी जिसपे कोई गुम्बद बना हुआ है, या कोई ऐसी दूसरी चीजें डोनेट कर दी बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग दी वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड है ना आप यहाँ पे क्या है कि भाई एक टायरोलीज वैली जो एक जगह का नाम है है ना तो उसकी एक पिक्चर है और जो है मैप है एक पूरा बड़ा सारा वर्ल्ड का उसकी एक चीज दी हुई हो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप

क्योंकि भाई इन बच्चों को यहाँ बस यहाँ पे लोग आते हैं अच्छा दिखाने के लिए ख़ुद की एक पिक्चर अच्छी हो जाए इसलिए आते हैं और डोनेशन करके चल जाते हैं बट यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन बच्चों को इनकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले इनको पढ़ने का मौका मिले इनको आगे बढ़ने का मौका मिले ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं सोचता है तो इनका जो स्काई है जो चीज़ें हैं जो भी इनका फ्यूचर है वो सिर्फ जो एक लेट स्काई में

बस कोई ऐसा इंसान है गंदा सा इंसान है जो मैप है वो बैड एग्जाम्पल है, है इनके लिए क्यों भाई क्योंकि उन्होंने कभी शेक्सपियर के बारे में जाना ही नहीं है इस वर्ल्ड में आपसे क्या लेना देना है ना Or with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bits on stone. और इनका जो फ्यूचर है वो यहीं सीमित है क्योंकि कोई इनकी मदद करेगा नहीं ये बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं तो और फिर उनकी जो अब यहाँ पे बात हुई कि भाई वो कपड़े भी ऐसे पहनते हैं उनकी पूरी हड्डियाँ दिखती हैं है ना इतने कमज़ोर हैं बच्चे कि उनकी जो स्किन है उसमें से उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं और जो ग्लासेस वगैरह जो कोई बच्चा है जिसको दिखता नहीं है तो उसको जो स्पेक्टिकल्स दिए गए हैं वो भी ऐसे हैं चश्मे जो ठीक कराए गए हैं है ना

टिल ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड ठीक है यदि अगर जो है ये जो गवर्न गवर्नमेंट है इंस्पेक्टर्स हैं या जो लोग यहाँ पे आके डोनेशन करते हैं वो लोग इन बच्चों की थोड़ी मदद कर दें है ना तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए वही वाला जो वर्ल्ड मैप है वो इनका वर्ल्ड बन सकता है इस विंडो तक सीमित नहीं रहेगी इनकी दुनिया इनका फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ सकता है है ना And make their world run as यो आर ऑन गोल्ड सेंट्स एंड लेट देर टंगन नेकट इन टू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीवस ओपन हिस्ट्री देअर्स हुज लैंग्वेज the. सन मतलब यहाँ पे जो पोए है वो ये चाहते हैं कि यार जो गवर्नर ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट है, है या जो भी लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं वो इनकी कुछ मदद करें इन बच्चों को जो है यहाँ से थोड़ा बाहर निकालें क्योंकि ये बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हैं इनको जो है मतलब बाहर निकालो इस विंडो तक सीमित मत रखो ताकि ये भी जो जो सैंड है उस पर जो है चले और बुक्स जो है वो पढ़ें अच्छी अच्छी ताकि इन्हें भी जो है पता चले कि आगे वर्ल्ड क्या है आगे जिंदगी क्या और ये भी अपना जो फ्यूचर है सिक्योर कर सके ठीक है बस इस तरीके की पोम थी अब इसकी समरी से समझो इसका मतलब क्या था द पोइ डिस्क्राइब्स दिल्ड्रेन स्टडी एंड एन एलिमेंट्री स्कूल इन एरिया The writer describes these children as rootless weeds because they are malnourished, है ना तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई जो poet है उसने क्या चीज़ describe किए कि एक elementary classroom में कहाँ एक स्लम एरिया में और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको उसने कैसे describe किया है भाई rootless weeds क्यों weeds क्यों क्योंकि unwanted है और rootless क्योंकि malnourished रिश्ड है

पिक्चर ऑफ़ शेक्सपियड ऑनप्लीजेंट क्रीमी वॉल्स बट डीज आर यूजलेस टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन ठीक है अब जो है डोनेशन आए हुए हैं भाई लोगों के शेक्सपियर दे दिया वर्ल्ड मैप दे दिया लेकिन ये सारी चीजें इन बच्चों के लिए बिल्कुल वर्थलेस है यूजलेस है और बेकार है There was वॉज मैप ऑफ दिस वर्ल्ड बट फॉर children चिल्ड्रन दैट वर्ल्ड इज They दे आर डूम टू लिव इन नैरो स्ट्रीट क्लोज इन बाय द ब्लू sky. Their स्काई दे आर वर्ल्ड इज फार अवे and रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ठीक है ये जो बच्चे हैं ना ये यहीं पर ही हैं यहीं जन्मे यहीं मर जाएंगे है ना इनका जो है कोई आगे कुछ भी नहीं होगा और इनको जो है कोई ये बड़ी बड़ी नदियाँ ये सब कभी भी ये देख नहीं पाएंगे तो ये जो वर्ल्ड का जो मैप है ये भी इनके लिए बिल्कुल यूजलेस है The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. The education system is such that it forces them to live in these slums. They are not given the right to dream beyond these slums. You government is <laughs> not पुकार लगाते हैं कि इनकी मदद करो लेकिन जो गवर्नमेंट है वही रीजन है वही जो इन स्लम वाले बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है है ना कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है एजुकेशन सिस्टम जो है इतना पैसा मांगता है एजुकेशन सिस्टम कि ये बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो ये आगे पढ़ सके हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द इस्लाम्स दोइ रिक्वेस्ट दिटीज टू अलाउ दिस चिल्ड्रेन टू गो आउट ऑफ द्लाम्स सो दैट द मैप ऑन दॉल्स क्लास रूम बिकम अ रियलिटी फॉर दैन तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पोइट है वो इन अथॉरिटीज से गुहार कर रहे हैं मदद की कि भाई इन बच्चों की मदद करो ताकि ये भी अपना कुछ आगे फ्यूचर बना सकें और यहाँ तक सीमित ना रहे इनकी भी ज़िंदगी और जो भी चीज़ें इनकी वॉल्स पर लगी इन्हें पता तो चले कि वो आखिर हैं क्या They should be taken to the green fields rather than the dim slums. The sunny, warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds. Then they will absorb all of it. Then these children will become economically empowered. The poem ends with a powerful line those who make history are the ones who shine like the sun. ठीक है आप वो चाहते हैं कि भाई जो है ये बच्चे जो हैं बीचेस पे जाएं सेंग में खेलें इनमें एक भूख जागे कि और क्या है इस दुनिया में और क्या नॉलेज हमें मिल सकती है तो ये क्या होंगे उस नॉलेज की तरफ भागेंगे अच्छा पढ़ लिख कर ये एक बड़ा इंसान बन सकते हैं ये बच्चे है ना और यहाँ पे एक बहुत पावरफुल लाइन के साथ हमारी पोम खत्म होती है कि भाई जो लोग है ना हिस्ट्री बनाते हैं ना वो वही लोग हैं जो सूरज की तरह चमकते हैं तो हो सकता है इनमें से भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो जो हिस्ट्री बना दे कुछ अच्छा कर जाए तो इन बच्चों को भी पढ़ने लिखने का आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो इस तरीके से पोएट जो है यहाँ पर बात करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स देखो गेवस वेव्स, वेव जो ऐसी ब्रीजी विंड्स चलती है ना तेज हवाएं वो पार्लर पालर, पेल, है 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 ना, ना ना पीला, पीला पड़ जाता चेहरा। ऐसा होता है ना बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है वो वाली चीज नॉल्ड नॉटेड डिजीज हो जाता है वीट्स अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन है ना जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है पता चल गया है ना पेपर सीमिंग बॉय है ना वेरी थिन बॉय एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर मतलब इतना पतला लड़का है कि बिल्कुल कैसा लग रहा है कि कोई पेपर हो एयर एयर होता है सक्सेसर मतलब जो आपका आगे आने वाला उत्तराधिकारी होता है वो ठीक okay? है सार, खट्टा, डोनेशन थिंग्स गिवन बाय और रिसीव्ड इन चैरिटी है ना जो हमें चैरिटी में चीजें दी जाती हैं इन लोगों को वो केप्स अ लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इन द सी फ्रॉम द कोस्ट है ना ऐसी जगह जो कहाँ जो कहाँ दिख रही है समुद्र के जो लैंड है वहां पर दिख रही है समुद्र के पास डाउन अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय है ना

कि भाई जो लड़की थी जिसका हस, जो सर है वो ऐसे उसने झुका रखा था तो वो क्यों क्या वो इल थी बीमार थी और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई थी या फिर उसका जो हेड है वो उसने शर्म की वजह से झुका रखा था या फिर उसके जो बाल थे वो बहुत अनटाइटी थे बने हुए नहीं थे तो इसलिए क्योंकि वो इल थी उसका सर जो उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ा भी था और वो बहुत थक गई थी एग्जॉस्टेड थी।, थी तो ये वाला है ना सेकेंड देखो द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स जो पेपर सीमिंग बॉय था और उसकी जो रेड्स वाली आइज थी उसका मतलब क्या है क्या वो जो है स्लाई और सीक्रेटिव था वो क्या कुछ छुपा रहा था बहुत पतला सा था और भूखा था और बहुत ज़्यादा वीक था या फिर बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट अच्छा नहीं लगता था लुकिंग वाइज तो ये जो बच्चे थे ये सारे माल नरिश थे मतलब बहुत पतले थे भूखे थे और वीक थे ठीक है द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स जो हमने पढ़ा स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स देखो एयर अब कभी भी हम कब बोलते हैं जब हमने कोई चीज़ मतलब कोई उत्तराधिकारी वो चीज़ इन्ेरिट करेगा तो हैज़ इन्हैरिटेड डिसेबिलिटी ठीक है जो नाल डिजीज़ थी उसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है बॉडी में तो उसने वही अपने फादर से इन्रिट की थी His eyes lives in a dream. A squirrel's game in the tree room. Other than this means, the boy is ठीक है उसकी जो आँखें हैं वो सपने जी रही हैं है, है ना और सपनों में जी रही हैं एक वो इसको बाहर गिलैरी का गेम दिख रहा है ट्री में और उसका यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्लास रूम में तो वो जो बॉय है क्या वो फुल ऑफ़ होप इन द फ्यूचर है कि उसे आशा है कि उसका कुछ हो सकता है फ्यूचर में फ्यूचर में या फिर वो जो है दिमागी तौर पर बीमार है मैंटली इल है या फिर वो लेसन से डिस्ट्रेक्टेड है तो जब वो एक बच्चा ड्रीम देख राइट इट मींस उसको आशा है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो फुल ऑफ होप इन दी फ्यूचर ठीक है फिफ्थ देखो द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स दिस मींस दे आर जो बच्चों के जो चेहरे हैं वो रूटलेस वीट से कंपेयर करेंगे उसका मतलब बच्चे जो हैं इनसिक्योर्ड हैं इल्पेड हैं या वेस्टर्स हैं तो इनसिक्योर वट यू थिंक इज द कलर ऑफ सार क्रीम वाई डू यू थिंक द पोइट हेज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लास रूम वॉल तुम्हें क्या लगता है जो सार क्रीम है उसका कलर कैसा है तो भाई ऑफ वाइट कलर की होती है और तुम्हें क्यों लगता है कि पोइट ने यह चीज़ यूज़ की है तो द कलर ऑफ सार क्रीम इज ऑफ वाइट द पोइट हज यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेक्ट द डिटॉयशन इन द कलर ऑफ द क्लास रूम वॉल सिम्बेइज इज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव ऑफ द स्कॉलर्स द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम स्कूल है ना तो यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई जो ऑफ वाइट कलर है वो क्या दिखा रहा है कि भाई जो चीज़ है वो अब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है है ना टूटती जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उनकी कंडीशन है इतनी ख़राब कंडीशन है बच्चों की स्लम वाले एरिया की वो चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है इसलिए यहाँ पे सार क्रीम वर्ड दिया क्योंकि सार क्रीम कैसी हो जाती है अनप्लेजेंट है ना अच्छी नहीं लगती है खाने में इसलिए The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? अब जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारा donation में Shakespeare है अच्छी अच्छी sceneries हैं अच्छी अच्छी जगहों की paintings हैं एक world map है तो ये सारी चीज़ें कैसे अलग हैं इन बच्चों के world से The pictures that decorate the walls होल्ड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद दर्ल्ड ऑफ दीज अंडर फेड पोवर्टी स्ट्रेक एंड स्लाम चिल्ड्रेन लिविंग इन क्रैम डार्क होल्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है कॉन्ट्रास्ट है इन बच्चों के लिए जो बेचारे जिनको पूरी तरीके से खाने को नहीं मिलता गरीबी में है है ना ये जो सारे बच्चे हैं द पिक्चर्स ऑन द वर्ल्ड ब्यूटी वेल्बिंग प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी जो भी पिक्चर्स वहाँ पर लगी हैं वो सब चीज़ें क्या है खूबसूरती बता रही हैं है ना और प्रॉस्पेरिटी बता रही हैं है ना कि भाई अच्छा कैसे फूलना फलना रहता है है ना प्रोग्रेस बता रही है वेलबींग बता रही है है ना और ऐसी दुनिया बता रही है जिसमें काफी सारा प्यार है बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन इज दगली एंड लैक ऑफ प्रोस्पैरिटी ठीक है तो बच्चों का जो भी जो दुनिया है जो स्लम है वो कैसी है बहुत बेकार है और कोई भी उसमें प्रोस्पैरिटी नहीं है वॉट इज द पोएट वॉन्ट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द इस्लाम्स हाउ केन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज जो हमारे पोएट है वो क्या चाहते हैं इन बच्चों के लिए और इनकी जो लाइफ है वो कैसे बदल सकती है पोएट दीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चिल्ड्रेन ऑफ द इस्लाम ठीक है वो क्या चाहते हैं कि जो लोग हैं अथॉरिटी में वो क्या करें इन बच्चों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी उसको रियलाइज करें ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इक्वेलिटी इक्वेलिटीज बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग है ना अब यहाँ पे क्या है नीचे चले गए रुको है ना इन सिक्योरिटीज बी एंड इसका मैं यहां लिख रही हूं एंडेड बाय एलिमिनेटिंग Eliminating the चलो मैं ये वाला तुम्हें दोबारा लिखवा दूंगी अभी पहले हम आगे देख लेते हैं थोड़ा एक्चुअली नीचे चले गया मुझसे है ना चलो नेक्स्ट देखो पहले अच्छा नेक्स्ट खत्म ही है ठीक है तो मैं लिखवा देती हूँ तुम्हें यहाँ पर इसका आंसर है ना जस्ट अ सेकंड ठीक है आंसर नंबर फोर लिख लो मेरे साथ the poet wants the पीपल इन अथॉरिटी To realize their responsibility towards the Children of the slum ठीक है क्या लिखा हमने द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम ठीक है अब देखो इसका याद करने का तरीका भी बताती हूँ ये लाइन हो गई अब दूसरी लाइन में आ जाओ ताकि एक लाइन याद करने के बाद दूसरी लाइन कैसे याद करोगे है ना तो दूसरा क्या होगा आगे ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस ठीक है क्या लिखा है मैंने नेक्स्ट लाइन में ऑल ऑफ़ सोशल एंड क्लास मैंनेक्वालिटी देखो मैं तुम्हें तो याद करने का तरीका भी बता रही हूं चलो है ना साथ में कि याद भी कैसे करना है ठीक है क्लास inequalities be ended by ended by eliminating ठीक है एलिमिनेटिंग दी ऑब्स्टेकल्स दी ऑब्स्टेकल्स दैट कंफाइंड दीज ठीक है? तो जब भी कोई बड़ा आंसर होता है तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि उसको पहले जो है लाइन वाइज डिवाइड कर दो जैसे कि यहाँ पे देखो हमने अगर हम यहाँ देखें, तो ये कंटिन्यू पैराग्राफ चल रहा था हमारा है ना तो तुमने क्या करना है अगर हमें याद नहीं हो रहा है तो हमने क्या करा कि भाई जहां तक फुल स्टॉप आ रहा है वहां तक हमारी पहली लाइन मान ली जैसे हमारी यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है इसको हमने पहली लाइन मान ली इसको याद कर लो हो गया याद अब उसके आगे जो पैराग्राफ है उसमें जो फुल स्टॉप तक लाइन आ रही है उसको सेकेंड लाइन मान लो फिर उसको याद कर लो है ना तो इतना ही है हमारा आंसर तो इट मीन्स तुम्हें पूरा याद हो गया है ना यूँ मैं बहुत बड़ा लग रहा है तो तुमने क्या किया उसको क्योंकि दो लाइन है तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले ये याद कर लो फिर ये याद कर लो और पूरा याद हो जाएगा तो ये ट्रिक होती है आपको अगर कोई बड़ा कभी भी पैराग्राफ याद करने को आ जाता है कभी कोई बड़ा आंसर याद करने को आ जाए तो उसको आप पहले छोटी छोटी लाइन्स में डिवाइड करो है ना और फिर लाइन बाई लाइन उसे याद करते जाओ तो आपको क्या होगा याद हो जाएगा और बस हो जाएगा आपका ईजी रहेगा ठीक है तो इसी के साथ जो है आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए तकमदीहा खान Signing off right now. Bye bye and have a nice day.